विदर्भ राज्य आंदोलन समिति स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्माण के लिए लगातार आंदोलन करी है, लेकिन सत्ता में आने के बाद राजनीतिक पार्टियां अपनी बातों से मुकर जाती है। वर्षों से विदर्भ की जनता के साथ सत्ता पाने के बाद नेता वादा खिलाफी कर रहे हैं, जिसके चलते आज इतवार स्थित विदर्भ चंडी का मंदिर परिसर में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा मुंडन आंदोलन किया गया है। पेट्रोल डीजल गैस के दाम कम किए जाए, स्वतंत्र विदर्भ, साथ ही साथ विदर्भ की जनता को कोरोना काल के बिजली बिलों से मुक्त किया जाए, इन तीन मांगों के साथ विदर्भवासियों द्वारा आंदोलन किए गए हैं। लेकिन सरकार है कि कुंभकर्णी की नींद से जगने का नाम नहीं ले रही है। पहले भाजपा सरकार ने स्वतंत्र विदर्भ का आश्वासन दिया और सत्ता में आई, लेकिन आश्वासन पूरा नहीं किया। राज्य के महाविकास आघाड़ी की सरकार ने 100 यूनिट की बिजली बिल माफ करने का आश्वासन दिया, लेकिन उसे भी पूरा नहीं किया है। इसलिए विदर्भवासियों द्वारा आज प्रतीकात्मक तौर पर मुंडन आंदोलन कर केंद्र और राज्य सरकार का विरोध किया है। हे मुंडन केल्याने सरकारच्या वर दडपशाही, काल सरकारने आमचं आंदोलन दडपशाही पद्धतीने खत्म करण्याची कोशिश केली, परंतु सरकारला सांगायचं आमचं एकच आहे औचित्य का तुम्ही किती दडपशाही करा काही करा, परंतु इथून आंदोलन आक्रमक होणार। मुंडन हे प्रतीकात्मक आहे आणि सरकारला हे चेतावणी आहे। आज तुम्ही आमच्या विदर्भवाद्यांसाठी मेलेले आहे, पण उद्या तुमच्यापर्यंत आमच्या हात पोचले पोचेल हे सुद्धा आम्ही गायलो। 9 ऑगस्ट पासून विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे आंदोलन चालू आहे। आज आंदोलनाचा 3रा दिवस आहे। सरकार विदर्भवाद्यांशी बातचीत करायला तयार नाही, म्हणून आज युवकांनी पवित्रा घेतला का सरकार केंद्र सरकार हे मेली, कारण वेगळा विदर्भ देत नाही। पेट्रोल डिझेलच्या प्रश्नावर बोलायला तयार नाही आणि राज्य सरकारच्या विरोधात, म्हणून जे आम्ही वीज बिलाची मागणी करत होतो कोरोना काळातील वीज बिल हे राज्य सरकारने भरले पाहिजे। इस मुंडन आंदोलन के दौरान विदर्भवादियों द्वारा कड़े आंदोलन का इशारा भी दिया गया है। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के संयोजक राम न्योले के साथ साथ कई विदर्भवादी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।